सुपर हीरोज इस शब्द के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। सिनेमा प्रेमियों को इस शब्द में जहां क्रिस, स्पाइडरमैन और बैटमैन की छवि नजर आती है, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों के सामने यह शब्द सुनते ही अलग अलग तरह की वर्दी पहने कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो स्पाइडरमैन या क्रिस जैसी कोई सुपर पावर होती है और ना ही उनके बदन पर ऐसी कोई ड्रेस होती है जिससे हम उनके नाम या काम का अंदाजा लगा सके। मगर इन लोगों के मन में वही विचार, वही सोच और वही जुनून होता है, जिस सोच और जुनून के कारण डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही इंसान की बात करेंगे जिन्होंने अपने हुनर के चलते जहां शोहरत और पहचान हासिल की, तो वहीं कोरोना काल के दौरान किए गए अपने काम के कारण ये लोगों की दुआओं और प्यार को भी प्राप्त कर रहे हैं और भारत के लिए एक रियल लाइफ सुपर हीरो बनकर सामने आए हैं। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो सोनू सूद के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा शहर में हुआ था। सोनू सूद के पिता का नाम शक्ति सागर सूद है जो कपड़ों के व्यापारी हैं। सोनू सूद की मां का नाम सरोज सूद है जो कॉलेज में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। सोनू सूद अपने पिता की दूसरी संतान है। इनकी बड़ी बहन का नाम मोनिका सूद है जो एक वैज्ञानिक है और इनकी छोटी बहन का नाम मालविका सचर है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मोगा शहर के सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी की थी और यशवंत राव चावहाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बचपन में सोनू सूद को फिल्में देखने का बहुत शौक था और यहीं से सोनू सूद के मन में फिल्मों में काम करने का विचार भी पनपने लग गया था। लेकिन कॉलेज के दिनों में यह विचार परवान चढ़ने लगा, जिसके चलते सोनू ने अपने पसंदीदा हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन की तरह बॉडी बनाना शुरू कर दिया और साथ ही अपने दोस्तों के कहने पर मॉडलिंग में भी हाथ आजमाने लगे। सोनू सूद को अपने पहले मॉडलिंग शो के लिए 500 रुपीज मिले थे, जिनसे उन्होंने अपने लिए एक जीन्स पैंट खरीदी थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरे करते ही सोनू ने अपनी माँ को एक्टर बनने की चाहत के बारे में बताया और उनसे 1.5 साल का वक्त मांगा और कहा अगर इतने समय में भी कुछ नहीं हुआ तो वो परिवार का बिजनेस संभाल लेंगे। माता पिता से अनुमति मिलने के बाद सोनू सूद 5500 रुपए लेकर मुंबई आ गए, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जिंदगी की जंग उतनी आसान नहीं होती जितना वो समझ रहे हैं। मुंबई में आने के बाद सोनू ने एक प्राइवेट फर्म में काम करना शुरू कर दिया और पैसे बचाने के लिए 6 लोगों के साथ एक कमरे में रहने लगे और साथ ही अपने काम को देखते हुए सोनू ने बोरीवली से लेकर चर्च गेट तक ट्रेन का मंथली पास भी खरीद लिया था। सोनू सूद को फर्म में काम करने के लिए हर महीने 4500 रुपए मिलते थे, जिन्हें वो संभाल कर और बचा कर रखते थे। सोनू सूद अपने फर्म के काम के साथ साथ खाली समय में कमरे में रहने के बजाय जगह जगह अपनी फोटोज लेकर काम ढूंढने निकल जाते थे। जहां कुछ लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते थे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम उस काम के लायक नहीं हो। कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोग उनके मुंह पर अपने घर का दरवाजा भी बंद कर देते थे, लेकिन सोनू सूद ने अपना काम जारी रखा। सोनू सूद ने मॉडलिंग के करियर को फिल्मी दुनिया में दाखिल होने के लिए एक रास्ते के तौर पर चुना था, जिसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1996 में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें सोनू टॉप 5 में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे। मॉडलिंग के करियर में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद उन्हें एड फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन फिल्मों की मंजिल अब भी दूर थी। यहाँ आपको बता दें कि आज पूरे भारत के लिए रियल लाइफ सुपर हीरो बन चुके सोनू सूद ने एक बार रियल लाइफ सुपर हीरो का किरदार भी निभाया है। दरअसल 90 के दौर में नागराज कॉमिक्स बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और 97 में इसी कॉमिक्स के एक नए भाग के प्रमोशन के लिए एक एड फिल्म बनाई गई थी, जिसमें सोनू सूद ने नागराज का किरदार भी निभाया था। इसी दौरान सोनू को जूतों के एड के लिए भी चुना गया था, जिसके लिए उन्हें 9000 रुपए मिले थे, लेकिन सोनू सूद का सपना तो फिल्मों में काम करने का था, इसीलिए वो एड फिल्मों में काम करके खुश नहीं थे। आखिरकार उन्हें 1999 में काला अजगर नाम की तमिल फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसमें सोनू सूद को नेगेटिव किरदार निभाना था। सोनू सूद को यह फिल्म कैसे मिली, इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। किस्सा यूँ है कि अपने संघर्ष के दौरान एक दिन सोनू सूद एक ऐसे प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुँच गए जहाँ किसी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश चल रही थी। सोनू सूद ने वहां जाकर प्रोड्यूसर से बात की तो प्रोड्यूसर ने उन्हें बताया कि वो एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं, यहां उनके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन सोनू सूद फिर भी अपनी कुछ तस्वीरें उस प्रोड्यूसर के हाथों में देकर चले आए ताकि आगे कभी वो प्रोड्यूसर उनको काम देने के लिए बुला सके। कुछ दिनों बाद जब उस प्रोड्यूसर के एक असिस्टेंट ने उन फोटोज को देखा तो उन्हें सोनू सूद की
शक्ल सूरत बहुत पसंद आई। उन्होंने वो तस्वीरें साउथ के सुपरस्टार विजयकांत को दिखाई। विजयकांत ने सोनू को चेन्नई और अपने ऑफिस बुलाया और अपनी अगली फिल्म के बारे में बताया और इस प्रकार सोनू को अपने करियर की सबसे पहली फिल्म मिल पाई। सोनू सूद इस फिल्म को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो इस फिल्म के संवाद को हर वक्त दोहराते रहते थे ताकि फिल्म के सेट पर उन्हें संवाद बोलने में कठिनाई ना हो और वो सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दे सके। इसके बाद सन 2000 में सोनू सूद को अपनी पहली तेलुगु फिल्म हैंड्स अप मिली जिसमें उनके साथ साउथ के कई बड़े अभिनेताओं ने काम किया। साउथ इंडस्ट्री के बाद अब बारी थी हिंदी सिनेमा की जहां सोनू को उनकी पहली फिल्म 2002 में शहीद आजम मिली जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया था। लेकिन सोनू सूद को हिंदी सिनेमा में पहचान 2004 में मिली। जी हां, 2004 में आई थी फिल्म युवा जिसमें उनके साथ अभिषेक बच्चन, अजय देवगन जैसे कलाकारों ने काम किया था। इसके बाद सोनू सूद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आशिक बनाया आपने, अशोक और चंद्रमुखी जैसी फिल्मों के जरिए खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया। 2007 में सोनू सूद की मां का देहांत हो गया और इस घटना ने उन्हें एक बार फिर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। सोनू सूद की मां ने उनके करियर को खड़ा करने में बहुत मदद की थी। संघर्ष के दौरान जब सोनू दुखी हो जाते थे तो उनकी मां सोनू को खत भेजा करती थी जिन्हें पढ़कर सोनू सूद को ये विश्वास मिलता था कि उनका परिवार अब भी उनके साथ है। इतना ही नहीं, सोनू सूद जब अपनी पहली फिल्म को साइन करने चेन्नई जा रहे थे तब इनकी मां ने उनके लिए किताब भेजी थी जिसमें तमिल भाषा के शब्दों का हिंदी में अनुवाद लिखा था। सोनू सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां द्वारा लिखा गया हर खत आज भी उनके पास है जिसे वो पढ़ते रहते हैं। 2008 में सोनू सूद ने फिल्म जोधा अकबर में सूरजा मल का किरदार निभाया था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2010 में आई फिल्म दबंग सोनू सूद के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसमें निभाए गए छेदी सिंह के किरदार ने इन्हें विलन के रूप में फेमस कर दिया था। यहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म के कुछ बेहतरीन संवाद सोनू सूद ने खुद लिखे हैं। इन संवादों में इस फिल्म का सबसे फेमस संवाद भी शामिल है। 2009 में आई तेलुगु फिल्म सोनू सूद के करियर में बहुत बड़ा मकाम रखती है क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड नंदी अवार्ड मिला था। सोनू सूद इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले सबसे पहले नॉन साउदी एक्टर हैं। इसके अलावा सोनू सूद फिल्म जगत के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक जैकी चैंग के साथ कुंग फू योगा में भी नजर आ चुके हैं। सोनू सूद का करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है जिसमें उन्हें एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल कंगना रनौत ने इन पर आरोप लगाया था कि सोनू सूद ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो एक महिला के डायरेक्शन के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। सोनू सूद ने इस आरोप को ये कहकर टाल दिया कि वो मणिकर्णिका से पहले भी एक महिला के डायरेक्शन में काम कर चुके हैं। 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस के हिंदी डबिंग में हरक्यूलिस के लिए सोनू सूद ने अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा सोनू सूद 2009 में एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम कर चुके हैं जिसका नाम सिटी ऑफ लाइफ है जिसमें सोनू सूद एक ऐसे कैब ड्राइवर की भूमिका निभाते दिखाई देते हैं जो एक्टर बनना चाहता है। अब दोस्तों, सोनू सूद की फिल्मी करियर से हटकर अगर बात की जाए तो उनकी रियल लाइफ, तो वे एक अच्छी छवि वाले, अच्छे दिल वाले, एक सच्चे दिल के इंसान है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने हाल ही में कोरोना काल के दौरान अलग अलग जगहों से मजदूरों को उनके घर पहुँचाने के साथ किया है। सोनू सूद को इस काम के लिए UNDP की तरफ से SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी सोनू सूद कई लोगों की मदद करते नजर आते हैं जिसमें किसान के घर उन्होंने ट्रैक्टर भेजा और प्रवासी रोजगार ऐप नाम से लोगों को काम दिलवाया। सोनू सूद को मिले फिल्म अवार्ड की बात करें तो नंदी अवार्ड के अलावा फिल्म फेयर अवार्ड, अप्सरा अवार्ड और आईफा अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। 2016 में सोनू सूद ने अपने पिता के नाम पर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था जिसकी पहली बड़ी फिल्म भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के जीवन की कहानी पर आधारित थी। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो 1996 में उन्होंने अपनी कॉलेज की दोस्त सोनाली से शादी की थी जिससे इनको दो बेटे हैं जिसमें से एक का नाम ईशान और दूसरे का नाम अयान है। इसी उम्मीद के साथ कि सोनू सूद आगे भी अच्छी फिल्में और अच्छा काम करते रहेंगे और उनका सिनेमाई सफर और भी शानदार रहेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।